लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सोलापुर शहर के मीना बाजार में और अभी अभी एक हैरान कर देने वाली खबर यहां से सामने आई है। यहां पर कुछ टोली है वो घूम रही है और नकली, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक मासूम बच्चे के जरिए हजारों रुपए लूटने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं। यहाँ टूटा हुआ बटाकर किस तरह से लोगों से हजारों रुपए लूटने का काम कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये महिला है, महिला किस तरह से इस बच्चे को टूटा हुआ हाथ बताकर नकली इसको पहना कर रंगा कर नकली पट्टी पहना कर यहाँ पर मीना बाजार में जो लोग खरीदारी करने आते हैं उनसे हजारों रुपए लूटने का काम यहाँ पर एक टोली कर रही है। ऐसे दो खुलासे हमने अभी अभी लोक प्रधान न्यूज चैनल से के जरिए पकड़े हैं और यहाँ पर कुछ युवकों ने उनको पकड़ा है। ऐसा और एक मासूम बच्चा था जिसको यहाँ पर ये नकली टोली पहना कर, ये नकली पहनावा पहना कर जिसका हाथ टूटा हुआ इसे बताकर कुछ लोग यहाँ पर हजारों रुपए लूटने का काम कर रहे हैं। ये दूसरा हादसा है। इससे पहले एक बच्चे को यहाँ पर हमने पकड़ा था जो बच्चे को नकली जो है जहरीली दवा पिना कर उस बच्चे को बेहोश कर कर ये महिलाएं हजारों रुपए का लूटने का काम यहाँ पर कर रही है। तो हम मीना बाजार में जो लोग खरीदारी करने आए हैं उसे सावधानी कराना चाहते हैं, उनको सावधान करा रहे हैं कि किस तरह से देख सकते हैं कि हाथ बिल्कुल सही है, किस तरह से यहाँ पर जो है इसको नकली पट्टी पहना कर इस पर नकली मलम लगा कर किस तरह से ये बदमाश लोग दरिंदे लोग यहाँ पर हजारों रुपए लूटने का काम कर रहे हैं। अगर इनको कोई भी देखेगा तो इन पर रहम आकर इन पर तर्स आकर यहाँ पर हजार रुपए इनको लोग देते हैं। लेकिन हमारे ये युवकों को हम सलाम करते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर ये आपके सामने हैरान कर देने वाली तस्वीरें लाई है। सोलापुर वासियों से जितने भी लोग मीना बाजार में खरीदी करने आए हैं हम तक ये न्यूज पहुंचा रहे हैं। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हमारे साथ कुछ युवक जुड़े हैं जो इन्होंने ये इस टोली को पकड़ा है, उन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या जानकारी है। क्या भाई आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। क्या हुआ था मीना बाजार में? क्या मीना बाजार में मैं जा रहा था तो जाते आते देखा एक हाथ पे लेप हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पूरा हाथ जला हुआ है क्या। लेकिन जब मैं गौर से उसको देखा तो मेरे को लगा कुछ तो फ्रॉड है क्या। तो मैं उसको पकड़ा, उसको पकड़ने के बाद उसका हाथ का पूरा पट्टी निकाला, लेप निकाला क्या, तो तब मेरे को उसका फ्रॉड सामने आया क्या। तो ऐसे बहुत से लोग है, कोई अपने आप को लंगड़ा बता रहा है, कोई अपने आप को माजूर बता रहा है, कोई कुर्सी पे बैठ के जा रहा है, भीख मांग रही है क्या। हालांकि वो मुस्लिम भी नहीं है लेकिन नाम मुसलमान का ले रहे है। मुस्लिम भी नहीं, नाम मुसलमान का ले रहे हैं, अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे क्या, इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। लेकिन जो जिसका हक है, जो रियल में मजदूर मजबूर है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, ये इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है। बोले कि हम क्या किए, इनके पीछे किसका हाथ है, क्या लगता है? ये पूरी टोली है, ये क्या, ये एक ग्रोह है। ऐसा भी जानकारी सामने है कि एक बच्चे को नशीली दवा पिलाई गई थी यहाँ पे, वो बच्चे को नशे की दवा पिला के सुलाए हुए थे, सुबह से वो बच्चा सोया हुआ है। उसको जाते आते जब से देख रहा हूँ मैं, वो बच्चा उधर ही सोया हुआ है। मतलब इस तरह से लोगों को दिखाकर हजारों रुपए लूट रहे लोग। हाँ, हजारों रुपए इतने रमजान के सीजन में कम से कम लाख डेढ़ लाख रुपए का तो वो मीना बाजार के अंदर भीख जमा करते है। वो क्या क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेकर? मैं इसको लेकर ये कहना चाहूंगा कि ऐसे कोई भी लोग दिखे क्या तो उनको एक रुपया देने की जरूरत नहीं, अपने आप तहकीक करके जानकारी करके दे। ऐसा कह लो मजदूर है उनको उनका हक दे, मतलब जो सचमुच में गरीब है उन तक ये पैसा, उनको उनका उनका हक दे। जो ऐसे फ्रॉड है क्या तो उनको एक रुपया देने की जरूरत नहीं है, अपना पैसा अपने पास या अपने बच्चों को खर्चा करे, उनको एक रुपया देने की जरूरत नहीं है। सही।